राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब बैंकों के बढ़ते एनपीए और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने नोटबंदी और पूंजीपतियों की कथित कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी के भारत में आम आदमी और पूंजीपतियों के लिए नोटबंदी का अलग अलग मतलब है। राहुल गांधी ने कहा, आम आदमी के लिए नोटबंदी का मतलब अपना पैसा रखने के लिए कतारों में खड़ा होना है। हमारा पूरा ब्यौरा आधार के रूप में जमा है, आप अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने एक खबर साझा करते हुए कहा कि क्रोनी कैपिटलिस्ट यानी साठ गांठ वाले पूंजीवादियों के लिए नोटबंदी का मतलब कुछ और ही है। उन्होंने पूरे काले धन को सफेद कर लिया है। आम आदमी के पैसे का इस्तेमाल करके 3,16,00,000 रुपए को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। राहुल गांधी ने जो ट्विटर पर शेयर किया है उसके मुताबिक पिछले 4 सालों में सरकारी बैंकों ने 3,16,000,00,000 रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाले हैं, जबकि इसी अवधि में 44,900,00,000 रुपए के कर्ज की वसूली हो सकी। कांग्रेस ने सोमवार को नरेंद्र मोदी पर कर्ज की अदायगी नहीं करने वालों यानी कि बैंक डिफॉल्टर्स पर कृपा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार ने पिछले 4 सालों में 3,50,000,00,000 रुपए से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।